एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 10 दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में ट्राई दिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 122 पर गिवन है। क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रही हूँ 2। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है? 1/2 होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर है जिसको दिए गए नंबर में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 1 आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए। 2 × 1/2, 2 का मल्टीप्लिकेटिव 1/2 है ना, तो 2 को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 1 आना चाहिए। देखिए 1 आएगा कि नहीं आएगा। 2 × 2, 2 × 2, 1 × 1, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/2। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ तो हो जाएगा 1/7। 7 और 1/7 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर है जिसको दिए गए नंबर में मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है। अब चलिए इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट इज 2 to the power -4। 2 to the power -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? तो हो जाएगा 1/2 to the power -4। हो जाएगा कि नहीं? इसको मैं लिख सकती हूँ 2 to the power +4। लिख सकती हूँ कि नहीं? कौन से लॉ का मैंने यूज किया? तो मैंने यूज किया है 1/(a^m) = (a^m)। ठीक है, तो 2 to the power -4 का रेसिप्रोकल आ गया 2 to the power 4। अब चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 to the power -4 × 2 to the power 4, इनको मल्टीप्लाई कराइए और देखिए क्या इसका रिजल्ट 1 आ रहा है। चलिए देखते हैं। 2 to the power -4 है इंटू 2 to the power 4 को मैं ये भी लिख सकती हूँ 1/(2 to the power -4) = ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 to the power -4 1 जा और 2 to the power -4 1 जा, है ना, सिंप्लीफाई हो गया। ये आ गया 1 1 जा 1। तो देखिए 2 to the power -4 को 2 की power 4 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है। इसका मतलब 2 की power -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 की power 4 है। ठीक है, तो 2 की power -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 2 की power 4। सेम इसी तरह सेकेंड सॉल्व करेंगे 10 to the power -5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/(10^-5) और 10^-5 को हम लिख सकते हैं क्या? 10^5। इस लॉ का यूज करके 1/(a^m) = (a^m). ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया 10^5। यहाँ पे देखिए सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। -4 था + 4 हो गया, -5 था + 5 हो गया। उसी तरीके से 7 की power -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 7² और 10^-100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? 10^100। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप देख रहे होंगे कि ये जो पावर की साइन है सिर्फ वो चेंज हो रही है। अगर पावर निगेटिव है तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और अगर पावर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 7³, 7³³। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछूं तो क्या हो जाएगा? 7³। सिर्फ आपको पावर की साइन चेंज करनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो आप लोग ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पावर की साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी पेज नंबर 122 पर एक और ट्राई दिस गिवन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंट्स। आपको इन नंबर्स को एक्सपैंड करना है एक्सपोनेंट्स का यूज करके। तो चलिए एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करना तो सबको आता ही होगा। ये देखिए ये किस प्लेस पे है? 1, 10, 100, 1000, 1000 प्लेस पे है। तो 1 × 1000 + 0,
जीरो जीरो किस प्लेस पे है, तो वन टेंस हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस पे है, जीरो इंटू हंड्रेड जीरो ही हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं लिख रही हूँ। आगे देखिए, प्लस टू, टू किस प्लेस पे है, वन टेंस, टेंस प्लेस पे है ना, तो हो जाएगा टू इंटू टेन। प्लस फाइव किस प्लेस पे है, वन प्लेस पे, तो हो जाएगा फाइव इंटू वन। देन पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो प्लेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये टेंथ प्लेस पे है, ये हंड्रेड प्लेस पे है, ये टेंथ प्लेस पे है ना, तो ये हो जाएगा सिक्स अपॉन टेन। प्लस ये हंड्रेड प्लेस पे है, तो हो जाएगा थ्री अपॉन हंड्रेड। हमें एक्सपोनेंट्स का यूज करना है, तो देखिए थाउजेंड को मैं लिख सकती हूँ टेन टू द पावर थ्री, प्लस टू इंटू टेन को मैं लिख सकती हूँ टेन की पावर वन, प्लस फाइव इंटू वन को मैं लिख सकती हूँ टेन की पावर जीरो, टेन की पावर जीरो। किसी भी नंबर की पावर जीरो कर दो उसकी वैल्यू वन होती है, तो मैं यहाँ पे टेन की पावर जीरो लिख रही हूँ वन को। देन प्लस सिक्स अपॉन टेन को टेन की पावर वन लिख सकती हूँ, प्लस थ्री अपॉन टेन टू द पावर टू। ये हो गया एक्सपेंशन फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंट्स का यूज करके। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंट्स का यूज किया है। आप ये वाली लाइन स्किप भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में मैं डायरेक्टली लिखूंगी, देखिए थाउजेंड प्लेस पे है ना, तो वन इंटू थाउजेंड, वन इंटू थाउजेंड, थाउजेंड को मैं टेन की पावर थ्री लिख सकती हूँ। प्लस टू जो है वो हंड्रेड प्लेस पे है, तो टू इंटू हंड्रेड, हंड्रेड को मैं टेन की पावर टू लिख सकती हूँ। आगे फाइव जो है वो टेंथ प्लेस पे है, तो फाइव इंटू टेन, टेन की पावर वन लिख सकती हूँ। और ये जो सिक्स है ये वंस प्लेस पे है, तो सिक्स इंटू वन, और वन को मैं लिख रही हूँ टेन की पावर जीरो। प्लस ये टेंथ प्लेस पे है, टेंथ, ठीक है, तो हो जाएगा टू अपॉन टेन, टेन को मैं टेन की पावर वन लिख रही हूँ। प्लस फोर जो है वो हंड्रेड प्लेस पे है, तो फोर अपॉन हंड्रेड होगा, हंड्रेड को मैं टेन की पावर टू लिख रही हूँ। नाइन जो है वो थाउजेंड प्लेस पे है, तो हो जाएगा नाइन अपॉन थाउजेंड, थाउजेंड को मैं टेन की पावर थ्री लिख रही हूँ। ये हो गया एक्सपेंशन फॉर्म, ठीक है, लिख लीजिए। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।